हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं क्रिसमस की समरी जो कि तोरुदत्त के द्वारा लिखी गई है। इसकी मैं आपको डिटेल में समरी नहीं बताने वाला, बस शॉर्ट एंड सिंपल है। इतनी सी लाइन्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ये पोएम आपने अगर नहीं पढ़ी है तो पोएम जाके जरूर देखना। समरी अगर आपने पढ़ ली तो इतने में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द पोएम क्रिसमस इज रिटन बाय दत्त ए शीफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स। ये जो बुक है उसके बीच में से ये क्रिसमस ली गई है एंड इज ए ट्रांसलेशन ऑफ थियोफाइल गोइटर पोएम। और थियोफाइल गोइटर पोएम का क्या है, ये ट्रांसलेशन है। इट डिस्क्राइब द डे, ये वो दिन को बताता है जिसमें जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तब के टाइमिंग की ये बात करता है। दत्त दत्त टेक्स स्पेशल केयर टू हाईलाइट बोथ द जॉयफुल सेरेनिटी ऑफ द सीन एंड इट्स स्पेयर रस्टिक क्वालिटी। तो इसमें ये कहता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब वहाँ की जो जॉयफुल इन्वायरमेंट है और वहाँ का जो सीन है उसके बारे में बताता है कि कैसा वहाँ का सीन था। फॉर एग्जाम्पल, वाइल द बेल्स रिंग्स आउट हैप्पीली, और जब घंटियाँ बजती थी तो खुशी की लहर उठ जाती थी, एंड एंजल्स सिंग, और यहाँ पे एंजल्स आएगा, एंजल्स का मतलब होता है परियां गाना गाती थी। वी आर सिचुएटेड ऑन ए फार्म विद लिटल टू कीप द इन्फेंट जीसस वारम। तो इसमें यह कहता है कि जब वहाँ पे घंटियाँ खुशी से बजती थी और वहाँ पे परियां गाती थी तो यीशु को गर्म करने के लिए वहाँ पे एक खेत में वहाँ पे स्थित थे, या वहाँ पे उनका जन्म हुआ था एक खेत वाली साइट। एज द पोएम एंड्स, और जैसी पोएम खत्म होती है, द अनलाइकली मिरेकल ऑफ क्रिस्ट बर्थ इन द सेटिंग इज अंडरस्कोर्ड एंड सेलिब्रेटेड विद वर्ड्स क्रिस्ट इज बोर्न। तो एक अचानक से ये जो कविता जब समाप्त होती है तो इनको एक चमत्कार दिखाई देता है, और चमत्कार होते ही ये कहते हैं कि मसीहा का जन्म हुआ, मसीहा का जन्म हुआ। इस वर्ड को बार बार दोहराते हैं। द थियोलॉजिकल नेचर ऑफ द पोएम अलोंग विद इट्स हिस्ट्री एज ए ट्रांसलेशन रिफ्लेक्ट तोरुदत्त इंटरेस्ट इन क्रिश्चियनिटी एंड यूरोपियन कल्चर। तो अनुवाद के कारण ये ट्रांसलेशन किया गया है। इसके इतिहास के साथ कविता के बीच में कई धार्मिक चीजें देखने को मिलती हैं, और ईसाई धर्म और यूरोपियन संस्कृति को भी यहाँ पे दिखाया जाता है। मेनली इसने इन्वायरमेंट दिखाया यूरोपियन और हम कह सकते हैं ईसाई धर्म के लोगों का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बीच में इन्वायरमेंट बताया गया। द स्काई इज डार्क, जब स्काई डार्क था, द स्नो डिसेंड्स, बर्फ गिर रही थी, रिंग बेल्स रिंग्स आउट योर मरिस्ट चीम। मतलब कि क्या है, जब घंटियां बज रही थी, जीसस बोर्न हो गए थे, अबव हिम ऑन द हैप्पी टाइम, और ये क्या खुशी का टाइम था। नो कर्टेन्स ब्राइट फिस्टून आर हंग टू शील्ड द इन्फेंट फ्रॉम द कोल्ड, और उसे ठंड से बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या है, गर्मी करने के लिए कुछ ना कुछ लगाया गया था। दी स्पाइडर वेब्स अलोंग आर स्लंग अपॉन द राफ्टर बेयर एंड ओल्ड। तो इसमें कह रहा है कि जो मकड़ी के जाले थे वो भी अकेले वहां पे लटक रहे थे। उसके बाद में कहता है कि ऑन फ्रेश स्ट्रो लाइज द लिटल वन नॉट इन ए प्लेस बट ए फार्म। अब जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो एक फार्म था, कोई और जगह नहीं थी, ना ही कोई कमरा था। हिज मैनेजर बेड टू कीप इट वार्म, और जो उसकी माँ थी या जब उसका जन्म हुआ था तो उसको क्या है, ठंड से बचाने के लिए कोई ना कोई कपड़ा वहाँ पे दिया गया है। वाइट रैग्स ऑफ स्नो दिस रूफ्स अटायर एंड ओवर देम स्टार्स द ब्लू अडोर्न। मतलब कि वहाँ का रात का बता रहे हैं कि वहाँ पे आसपास बर्फ थी और आसमान के अंदर क्या कह सकते हैं हम, तारे थे। एंड हार्क इन वाइट द एंजल क्वाइट क्वायर सिंग्स टू द शेफर्ड क्रिस्ट इज बोर्न। और जब मसीहा का जन्म हुआ तो परियों ने भी गाने गाए, और गाने गाते ही ये कहा कि मसीहा का जन्म हुआ, मसीहा का जन्म हुआ। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।